हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ज्योग्राफी की कुछ क्लासें आप सभी के बीच भेज दी गई हैं और कुछ क्लासें आप सभी को दी जा रही हैं लगातार। और आप सभी के बीच में ज्योग्राफी की जो क्लासें जा रही हैं तो आप सभी लोग उन्हें अच्छे से देखें। उसमें मैटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रही हैं बातें, आप सभी लोग भी देखें। जिन लोगों के पास ये मैटर नहीं पहुंच पा रहा है वो लोग जरूर देखें। और उसके साथ साथ सबसे पहले कि आप सभी को क्लास में स्वागत और अभिनंदन भी रहता है, और दूसरी बात, ये शाम 6 बजे आपकी क्लास चलती है जिसमें आप सभी को यूपीपीसीएस और आरओआरओ से रिलेटेड जीएस के कुछ प्रश्न कराए जाते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आप सभी लोग शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं। शाम 6 बजे लाइव क्लास होती है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे, लाइव क्लास होती है और आपके सामने प्रश्न रखे जाते हैं, आप उनका उत्तर देते हैं। तो ये रही डिटेल, और अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो ये रहा नंबर। और अपना ऐप भी आ चुका है तो प्ले स्टोर से यूपीएससी ज्ञानदायिनी आप लोग प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, जैसे कि आप सभी लोगों को देखिए दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हम बात करेंगे आज भारत के, चलिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो हर बार यही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कहाँ पूछे जाते हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। इतने जितना मैं आज बता दूंगी बस यही से हर बार यही प्रश्न आपके एग्जाम में, एग्जाम हॉल पर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रमुख बंदरगाह इसीलिए लिखा गया है कि क्योंकि ये प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। वैसे तो हमारे भारत में बहुत ढेर सारे बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह आपके, हमारे भारत में 13 बंदरगाह। कितने हैं? 13 बंदरगाह है, चलिए बताते हैं। अब सबसे पहले बात आएगी कि बंदरगाह हम कहेंगे किसे। सबसे पहले बात हमारे सामने आती है कि हम बंदरगाह किसे कहेंगे, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, तो बंदरगाह होते क्या हैं? कहीं कहीं पर इन्हीं को पत्तन कह दिया जाता है, तो ये पत्तन है क्या, आइए बताते हैं। भारत में प्राचीन काल से पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता था। प्राचीन काल से, हमारे भारत में प्राचीन काल से पड़ोसी राज्यों से व्यापार किया, ट्रेड किया जाता था। यह व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग, जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों के माध्यम से किया जाता था। जलमार्ग से जो होगा वो नावों के माध्यम से किया जाता था। और आधुनिक समय में जलमार्ग से हम किसे करेंगे? नाव से करेंगे, जो अब शिप आती है उनसे करते हैं। तो आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। किससे? जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयान से व्यापार वायुयान, वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है वायुयान की अपेक्षा, मतलब आपके हवाई जहाज, सीधे समझे, हवाई जहाज की अपेक्षा हमारा क्या है, जलयान से व्यापार करना सस्ता पड़ता है और वायुयान से व्यापार करना महंगा पड़ता है, ठीक है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। अब जैसे आप समझिए, बस स्टॉप है, क्या है? बस स्टॉप। अब बस स्टॉप पर जैसे हम जाएंगे, किसी को लेने गए या हम ही गए, तो बस स्टॉप पर वहां पर बस आएगी, रुकेगी, हम वहां से चढ़ेंगे, कुछ लोग वहां पर उतरेंगे, यही हाल होता है, यही चीज आपका बंदरगाह है। यहाँ पर कहा गया नदी या समुद्र तट पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। क्यों? क्योंकि आएगी कोई शिप, आएगी आपकी कोई, क्या कहते हैं, जलयान आएगा, कोई नाव आएगी, तो कहीं ठहरने की जगह दी जाएगी। कोई जैसे निर्यात किया जा रहा है, कहीं से किसी देश से निर्यात किया हमने, तो वहां से कुछ चीजें आएंगी, हम उनको उतारेंगे, और हो सकता है हम अपने देश से उस देश के लिए आयात कर रहे हैं, तो वो कुछ चीजें यहां से चढ़ाई जाएंगी। तो उसके लिए तट होना चाहिए। क्या वो तट होगा? पानी के बीच में तो कोई चीज उतारी या चढ़ाई नहीं जाएगी, ठीक है। यही यहां पर कहा जा रहा है, जलयान का आवागमन आसानी से किया जा सके, इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। मैंने बताया ना, देखिए, अब ये क्या है, आपकी शिप है, ये आपकी, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये आपकी शिप है। और यहाँ पर देखिए, ये आपके सामान लादने के लिए कुछ गाड़ियां हैं, ठीक है, ट्रक वगैरह हैं, और जिनसे सामान आप वहां से उतरे तो उनमें लादकर आप ला सकें अपने देश में, अपने देश में अंदर एंट्री करा सकें उसकी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सामान आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं, और ये होते हैं आपके, क्या है, इन्हीं को कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह किसे कहते हैं, आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह, देखिए, कुछ कृत्रिम बंदरगाह होते हैं और कुछ प्राकृतिक बंदरगाह, उनकी भी बात करेंगे। तो भारत में
13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। याद रखना है ये पॉइंट, 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। देखिए 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा 3 जो 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 आपके सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु में है। लेकिन जो 200 छोटे बंदरगाह हैं उनमें से सबसे ज्यादा आपके 53 कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में 53, कितने 53, याद रखेंगे ये बात। अगर छोटे छोटे बंदरगाहों की बात पूछे सर्वाधिक कहां है तो महाराष्ट्र में, और अगर बड़े बंदरगाहों की बात की जाएगी सर्वाधिक कहां है तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। आइए बात करते हैं बंदरगाह के प्रकार। जैसे मैंने बताया प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, मैं ये कई बार आपको परिभाषा बता चुकी हूँ। प्राकृतिक बंदरगाह होता है जो प्रकृति के द्वारा आकृति दे दी जाए, जो प्रकृति हमें बनाकर दे दे, वही होता है प्राकृतिक बंदरगाह। क्या होता है प्राकृतिक बंदरगाह, जो प्रकृति, अब मान लीजिएगा समुद्र के आसपास और कोई ढलान हो गई, कभी क्या होता है समुद्र के आसपास वी आकार की घाटियां बन जाती हैं, कभी कभी समुद्र के आसपास तीन तरफ से स्थल हो जाता और इधर से केवल समुद्र का पानी जाता रहता है। और यही स्थिति हम क्या ढूंढते हैं, बंदरगाह के लिए ढूंढते हैं कि तीन तरफ से क्या हो, स्थल हो और एक तरफ से पानी हो, मतलब समुद्र का पानी हो या नदी का पानी हो, ताकि जब वहां पर बाढ़ या बहाव आए तो यहां पर जब आपके जल यान आकर रुके तो उनको ठहराव मिले। क्या प्राप्त हो, ठहराव प्राप्त हो। और जब ठहराव प्राप्त होगा तो यहीं से, इन्हीं तट से हम इनसे क्या सामान उतार और चढ़ा लेंगे, आयात या निर्यात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा है कि हम विदेशों से व्यापार करते चले आ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए दिखाते हैं एक मानचित्र के माध्यम से। देखिए मानचित्र के माध्यम से ये देखिए प्राकृति के द्वारा बनाया गया है जलाशय, ये प्राकृतिक जलाशय है। देखिए धीरे धीरे समुद्र का पानी जो भूखंड होता है उसमें जाता है, इतना काट देता है भूखंड कि तीन तरफ से क्या हो गया है, स्थल से घिर गया है, ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। और एक तरफ से, अब आपको यहाँ पर पेन चेंज करने की जरूरत हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तीन तरफ से स्थल से ये घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। ये तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है और स्थल से ये क्या प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति के द्वारा ये घिरा हुआ है, हमने और आपने इसे नहीं घेरा है। ये देखिए जो समुद्र है, हमारा समुद्र आया और यहाँ पर भूखंड था, भूखंड को काटते 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 इतना काट दिया कि ये एक तीन तरफ से स्थल बन गया, तीन तरफ से स्थल हो गया और एक तरफ से पानी आता गया। अब यहीं पर हमारे जल यान, जो हमारे नाव शिप वगैरह होंगी, यहीं पर समुद्र से आकर धीरे से यहीं पर ठहराव लेती हैं और यहाँ पर रुके, जो आयात निर्यात वाली चीजें होती है इनके तटों पर उसकी सुविधा दी जाती है और ये इन्हीं सुविधा के, इन्हीं पर सुविधा अनुसार हम लोग क्या करते हैं, आयात निर्यात की चीजें ले लेते हैं और दे देते हैं। ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह हो गया। कृत्रिम बंदरगाह, ये कौन सा बंदरगाह है, देखिए ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक है, ठीक है, कौन सा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। अब कृत्रिम बंदरगाह कैसे होगा, देखिए कृत्रिम बंदरगाह, देखिए एक समुद्र है, मतलब आपके सामने समुद्र है और वहां पर कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बन पाया और वहां पर आवश्यकता है किसकी, एक बंदरगाह की, मतलब ठहराव की। अब चलते, अब समुद्र का पानी हो कहीं पर, जैसे बहुत ज्यादा जब लहरें आती हैं तो वहां पर आपके जल या नाव या शिप वगैरह नहीं रुक सकते, नहीं ठहराव ले सकते, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट से एक दीवार मोटी सी समुद्र के तट पर बनाते हैं। कहां बनाते हैं, समुद्र में बनाते हैं। देखिए ये बनाई गई है, ये प्राकृतिक है, ये मानव द्वारा बनाई गई है, क्या ये मानव द्वारा बनाई गई है, तो इसको क्या कहेंगे, कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। और ये जब यहां पर बनाया गया तो इसे देखिए रोका गया है, तीन तरफ से ये क्या हो गया, घेर दिया गया है धीरे धीरे और सिर्फ एक तरफ से जल आता है और यहीं पर आपकी शिप, आपके नाव वगैरह जो भी सामान लाते हैं, आयात करते हैं, निर्यात, यहीं पर ठहराव लेते हैं और फिर इन्हीं तटों पर सुविधा दी जाती है, इन तटों पर सुविधा दे दी जाती है सरकार द्वारा और यहीं से फिर हमारे बंदरगाह अपनी प्रकृति रूप और अपना कृत्रिम रूप स्वीकार कर लेते हैं। आइए बात करते हैं आगे। अब हमें लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि बंदरगाह की बात करेंगे,
अब यहाँ पर बंदरगाह की बात होती है तो देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाह, सबसे पहले देखिए आपके मैंने बताया कि 13 बड़े बंदरगाह हैं, उन्हीं को बताया जाए, छोटे बंदरगाह कभी कहीं पर भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आप सभी लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा है, मैंने कहा कि 13 बड़े बंदरगाह, 6 आपके पश्चिमी तट पर है, कहाँ पर है, ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। क्या है? पूर्वी तट है। तो 6 आपके क्या हैं? 6 आपके पूर्वी तट पर हैं और 6 आपके प्राकृतिक पश्चिमी तट पर हैं, ठीक है। अब बचा, अब आप कहेंगे कि आपने तो 13 बताया, बिल्कुल, एक फोर्ट ब्लेयर जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार की राजधानी, एक ये है, तो 13 है, 6-6 बराबर बराबर आपके कहां है, पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर। तो आइए देखते हैं, कभी कभी अभी उस दिन आप सबसे मैंने प्रश्न पूछा था, तो पूछा था कि इन्हें उत्तर से दक्षिण लगाइए, ठीक है, यही अक्सर प्रश्न आता है उत्तर से दक्षिण, और कभी कभी पूछता है कौन कृत्रिम है और कौन प्राकृतिक है। तो आगे बताते, 3 ही कृत्रिम है, बाकी सारे आपके प्राकृतिक हैं। चलिए आइए देखते हैं कांडला बंदरगाह, अब यहीं से बात शुरू करेंगे हम, कहां से, जैसे मैंने बताया कि उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है, तो कांडला बंदरगाह आपका पड़ता है कहां पर, गुजरात में, यहां पर पड़ता है गुजरात में। देखिए यह गुजरात राज्य में स्थित है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, इसको आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लाइन होगी, क्या होगी, दीनदयाल बंदरगाह किसका, कांडला का नाम बदल के कर दिया गया है। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। अब आप सभी लोग कहेंगे भारत विभाजन के बाद कैसे विकसित किया गया था, देखिए जब हमारा भारत विभाजित नहीं हुआ था, मतलब पाकिस्तान और भारत एक थे, तो कराची से क्या होता था, बाकी देशों से आयात निर्यात होते थे या व्यापार होता था। जब भारत विभाजन हो गया तो हमें यहाँ पर कांडला बंदरगाह का क्या करना पड़ा, बंदरगाह को विकसित करना पड़ा, ठीक है। आइए बात करते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से इधर के जितने भी देश थे, पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया, ठीक है। अब कराची तो आपके पाकिस्तान में चला गया, तो यहां पर कांडला बंदरगाह को विकसित करना पड़ा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। उत्तर भारत, इधर जो आपका उत्तर भारत है, सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। क्या? इसी बंदरगाह से की जाती है। अब आप सभी लोग कहेंगे कि इसी बंदरगाह से क्यों की जाती है, ऐसा क्या इस बंदरगाह में खास है? हाँ, खास इसलिए है, अगर हम यहां से कोच्चि से मान लीजिएगा यहां से जाएंगे, तो हमें जाने के लिए अलग से खर्चा लगेगा, फिर हमें जाने के लिए अलग से खर्चा लगेगा, मतलब कहते हैं ना कि हमें यहां से जाने में खर्चा, हमें समय, जो आजकल लोगों के लिए समय का बड़ा ही अभाव और बड़ा ही समय के लिए मान्यता है कि समय पर हर का, ये आपके पास में पड़ता है, इसलिए गुजरात या कांडला बंदरगाह जो गुजरात में, उससे उत्तर भारत के सर्वाधिक आप लाभ उठाते हैं, सर्वाधिक पूर्ति यहीं से की जाती है, ठीक है। आप सभी लोगों को पहला समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं मुंबई, अब गुजरात के बाद आपका आता है मुंबई बंदरगाह, कौन सा, मुंबई बंदरगाह, याद रखेंगे मुंबई बंदरगाह। देखिए यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा होगा, मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है, कौन सा, मुंबई बंदरगाह, कई बार पढ़े आपको याद, भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, सबसे ज्यादा व्यापार आपके मुंबई बंदरगाह से होता है, कहां से, मुंबई बंदरगाह से होता है, और सबसे बड़ा भी है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको, इसी भारत, इसी मुंबई बंदरगाह को, किसको कहा जाता है, मुंबई बंदरगाह को, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है नहवा सेवा बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में ही है, मतलब कहां पर है, ये महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है नहवा, लेकिन ये कृत्रिम बंदरगाह है, कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित यह कृत्रिम बंदरगाह है, इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, क्या है, याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, किसका, नहवा बंदरगाह का, किसका, नहवा सेवा बंदरगाह का, ठीक है। यह मुंबई बंदरगाह
है, मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। अब मुंबई बंदरगाह के निकट ही क्यों स्थित किया गया था इसे, क्योंकि ये कृत्रिम बंदरगाह है तो इसे यहीं पर क्यों स्थित किया गया, आइए बताते हैं। मुंबई बंदरगाह से भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, किससे, मुंबई से। अब इसमें इतना ज्यादा दबाव आ चुका था, हर चीज मुंबई बंदरगाह से, हर चीज मुंबई बंदरगाह से, इसीलिए इसको बनाया गया ताकि इसका दबाव कुछ कम हो जाए, किसका, मुंबई बंदरगाह का, क्योंकि सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, उसकी भी जिम्मेदारी, उसी को सब कुछ करना, इसलिए जिम्मेदारी बहुत ज्यादा और दबाव बहुत ज्यादा, दबाव कम करने के लिए। देखिए क्या कहा गया, इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया, क्योंकि ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आइए अगले बंदरगाह की बात करते हैं, भारत का मर्मागांव बंदरगाह। मर्मागांव, अब देखिए आपके कांडला हो गया, मुंबई हो गया, नहवा शेवा हो गया, अब आपका आता है गोवा। क्या आता है, गोवा। हम उत्तर से दक्षिण ही चल रहे हैं, आप सभी लोगों को याद हो रहा होगा साथ साथ में। तो ये कहां पर है, ये आपके गोवा राज्य में स्थित है। कहां पर है, गोवा राज्य में। यह बंदरगाह जुआरी नदी, जब मैंने नदियां पढ़ाई थी तो आपको वहां पर बताया था जुआरी नदी कौन सी है, मतलब गोवा में जुआरी नदी जाती है। अगर आप नहीं देखे तो नदियों वाला पार्ट जरूर देखें, नदी पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है, जो ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए यहां पर बताया गया। ईरान जो है, ईरान को लौह अयस्क कहां से जाता है, आपके मर्मा गांव से ही जाता है। आपको कहीं कहीं मुर्मू गांव भी लिखे मिलेगा, लिखा मुर्मू गांव, तो आप उसे भी याद रख सकते हैं और इससे आप गांव से गोवा बना सकते हैं, अच्छे से आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है न्यू मंगलूर बंदरगाह। मंगलूर कहां है, आपका कर्नाटक में। देखिए इसके नीचे तुरंत कौन सा आता है, कर्नाटक आता है। न्यू मंगलूर बंदरगाह कहां पर है, कर्नाटक में है। इस ये बस आपको इतना याद करना है, ये कर्नाटक में, और कर्नाटक में क्या है, मंगलोर बंदरगाह। अगला है कुची बंदरगाह, यह केरल राज्य में स्थित है। ये आपका कुची बंदरगाह कहां पर है, केरल में। तो अब आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इधर अभी एक ही कृत्रिम बंदरगाह मिला है, जो आपका मुंबई में है, और क्या नाम है उसका, नहवा शेवा। ये याद रखना है, कौन सा है, नहवा शेवा बंदरगाह। ठीक है, जो आपका मुंबई में है। आइए अगले की बात करते हैं हम लोग, ये आपके छह के छह पश्चिमी घाट के हुए। अब बात करते हैं पूर्वी घाट के, जल्दी से बात करते हैं। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, देखिए यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्या, कोलकाता हल्दिया, ये दोनों अलग अलग हैं, बट इन्हें एक किया गया, क्यों, देखिए कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है वो कहां पर है, हुगली नदी के तट पर है, और हल्दिया भी आपके पश्चिम बंगाल में, तो इन्हें एक करके बनाया गया। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है, हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। देखिए जो हल्दिया बंदरगाह है वो क्या है, कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, इसीलिए कहते हैं कि मतलब सहायता के रूप में इसे बनाया गया था, हल्दिया को, किसका सहायक, कोलकाता बंदरगाह का, कोलकाता का सहायक बंदरगाह। ठीक है, ये आपके कहां पर है, आप सभी लोगों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर है, ऊपर से शुरू करते हैं हम लोग, कहां से आए, वेस्ट बंगाल का हो गया। अब आता है अगला पारादीप। पारादीप कहां है, आपका उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहां है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे याद रखेंगे, उड़ेगा कैसे कोई, अब आपको उड़ना है तो उड़ेंगे कैसे आप, जब आपके पास पर होंगे। तो पारादीप बंदरगाह कहां पर है, आपके उड़ीसा में। ठीक है, कहां पर है, उड़ीसा में, जब आप उड़ेंगे। ठीक है, उड़ीसा में, और जापान के लिए कहां से जाता है, निर्यात किया जाता है, तो आप कहेंगे जापान से, यहीं से निर्यात किया जाता है, झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क। ठीक है, आपको समझ में आएगा, ये आपका पारादीप। चलिए अगला देखते हैं जल्दी से, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आइए देखते हैं, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए मुंबई सबसे बड़ा था, दो पॉइंट अलग अलग है, ये क्या है, गहरा है, और ये क्या है, बड़ा है, ऐसे आकार में बड़ा है। गहराई ऊपर नीचे में होती है, जैसे लंबाई मीटर में होती, गहराई भी ऊपर नीचे में होती है, और बड़ा में आकार में हो गया ऐसे। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है।
जाता है। यहाँ पर एक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, इसी कारण ये बंदरगाह क्या है, समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है हमेशा। याद रखना है डॉल्फिन नोज कहाँ पर है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियां कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। आइए तमिलनाडु के देखते हैं, मैंने बताया था सबसे बड़े बंदरगाहों में से 13 में से 3 बंदरगाह आपके तमिलनाडु से। आइए बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। देखिए ये कृत्रिम बंदरगाह है, कैसा, मैंने कहा था 3 कृत्रिम बंदरगाह है, कितने, कुल 3 कृत्रिम बंदरगाह है, टोटल 3 है, ठीक है। तो पहले एक मैं बता चुकी हूँ, 2 यहाँ पर है। तो कृत्रिम बंदरगाह यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, कौन, एन्नौर, इसलिए ये कृत्रिम है क्योंकि बनाया गया था। चेन्नई बंदरगाह यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, यह भी आपका कृत्रिम बंदरगाह है, कैसा, कृत्रिम बंदरगाह। 3 हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और एक ऊपर मैंने मुंबई वाला बताया था नहवा सेवा, वो भी आपका कृत्रिम। यह सबसे पुराना, सबसे पहले कृत्रिम बंदरगाह कौन सा बनाया गया था, चेन्नई। एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है, सिर्फ चेन्नई वाला, ठीक है, आपसे कभी भी एन्नौर और नहवा सेवा वाला नहीं पूछा जाता है, याद रखेंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह, इससे चितंबर नार भी कहते हैं, चितंबर नार बंदरगाह भी कहते हैं, यह मन्नार की खाड़ी में है। देखिए मन्नार की खाड़ी में कहां पर है, देखिए ये आपकी मन्नार की खाड़ी है और ये आपका तूतीकोरिन है, ठीक है, और इसी के बगल में आपका क्या पड़ता है, श्रीलंका पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर ये स्थित है, आपका तूतीकोरिन कहां है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप की ये राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। आप सभी को इतनी बातें मोटी मोटी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, आप सभी के बीच कुछ प्रश्न हैं, आप इन्हें करेंगे अच्छा लगेगा। चलिए, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, मैंने बताया आपके मुख्य बंदरगाह सिर्फ और सिर्फ 13 बंदरगाह हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है, मतलब पूर्वी तट वाला बताना है, ठीक है, पश्चिमी तट पर नहीं है। तो आपका कांडला कहां पर है, पश्चिमी में, पश्चिम में है। मुंबई कहां पर है, पश्चिम में है। मंगलौर कहां पर है, पश्चिम में है। तो एन्नौर क्या होगा आपका, कहां पर है, एन्नौर आपका तमिलनाडु में है, कहां पर है, तमिलनाडु में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, मतलब पश्चिम वाला बताना है। तो कोलकाता आपका पूर्वी है, नहवा सेवा आपका पश्चिमी है, पारादीप आपका उड़ीसा का, विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। आइए अगला देखते हैं, मर्मा गांव या मर्मा गोवा, कहीं कहीं मर्मा गोवा ही लिखा रहता है, कहां का है, आप बताएंगे गोवा का है, ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है, उड़ीसा, मैंने बताया ना उड़ने के लिए पर चाहिए। चलिए, तो मैंने यहाँ पर बताया भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर है, तो उड़ीसा तट में कौन सा होगा, जैसे मैंने बताया आप सभी को कि जो उड़ेगा उस उड़ने के लिए पर चाहिए, ठीक है ना, तो क्या होगा, पारादीप होगा, ठीक है। एक्चुअली क्लास रुक गई थी इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है। भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध या सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा आपका विशाखापट्टनम है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो देखिए कांडला आपका प्राकृतिक है, मंगलौर आपका प्राकृतिक, हल्दिया आपका प्राकृतिक, चेन्नई, मैंने बताया 3 आपके ऐसे बंदरगाह हैं, 3 जो कृत्रिम है, तो 3 आप एक बार फिर से लिख लें, एक है नहवा, अरे यहाँ पर आधा ना होगा, नहवा सेवा बंदरगाह जो आपका मुंबई में पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका एन्नौर बंदरगाह, कौन सा होगा, एन्नौर बंदरगाह, और तीसरा होगा आपका चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, चेन्नई। और चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, क्या है, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, मुंबई में, क्यों मुंबई बताएंगे, बल्कि इसे महाराष्ट्र होना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि नहवा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, किसको, जवाहर को, ठीक है, जवाहरलाल किसको कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसे कहेंगे, नहवा सेवा को, ठीक है। अगला है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आप तुरंत कहेंगे मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताएंगे मुंबई, सबसे गहरा विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन आपके कहां पर है, तमिलनाडु में है, कांडला आपके कहां पर है, गुजरात में है, ठीक है।
चलिए, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया था? तो आप क्या बताएंगे, नहवा सेवा का निर्माण किया गया था। किसका? नहवा सेवा का, क्योंकि हल्दिया तो आपका कोलकाता को हो जाता है, इंदौर आपका तमिलनाडु का, पारादीप आपका उड़ीसा का हो जाता है। बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन आप बताएंगे तुरंत कांडला था, क्योंकि हमें इधर पूर्व पश्चिम देशों से क्या करना था, व्यापार करना था, लेकिन हमारा व्यापार कराची से होता था, और जब स्वतंत्रता के बाद देश बट गए तो वो तो पाकिस्तान में चला गया, तो हमें कांडला बंदरगाह का, कांडला बंदरगाह को तुरंत विकसित करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक थी, और हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को ये प्रश्न और ये डिटेल आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, और उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रही है। तो आप सभी लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जैसा लगे आप सभी लोग जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।